इधर यूपी के प्रयागराज में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हाथी पटाखे की आवाज सुनने के बाद भड़क गया। आप देखिए क्या हुआ। शादी ब्याह में जानवरों को शामिल कर अपनी शान बढ़ाना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। यूपी के प्रयागराज में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक हाथी ने शादी समारोह में उत्पात मचा दिया। संगम नगरी में बारात की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी लेकर आना बारातियों को महंगा पड़ गया। पटाखे की आवाज सुनकर हाथी ऐसा भड़का कि शादी के मंडप में कोहराम मच गया। दूल्हे को बग्गी छोड़कर भागना पड़ा, मेहमानों को अपनी जान बचानी पड़ी। गुस्साए और घबराए हाथी ने सबसे पहले चार पहिया वाहनों को अपना शिकार बनाया। उसके बाद जो कुछ भी सामने आया वह उसे रौंदता चला गया। हाथी के बेलगाम होने के बाद कार्यक्रम में कोहराम और अफरा तफरी मच गई। मामला सराय इनायत थाना इलाके के अमलापुर गांव का है। जब लोगों से हाथी काबू में नहीं आया तो वन विभाग की टीम को बुलाया गया। उसके बाद वन विभाग की टीम ने हाथी पर काबू पाया। अमलापुर गाँव में प्रयागराज के नारायणपुर से बारात आई थी। बाराती संगीत के धुन पर थिरक रहे थे और बीच बीच में पटाखे भी फोड़े जा रहे थे, लेकिन जब हाथी ने तांडव मचाया तो सारा मजा किरकिरा हो गया। राहत की बात यह है कि इस हंगामे में कोई हताहत नहीं हुआ है और ना ही कोई जख्मी हुआ। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।